वेरिफिकेशन पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच की निगरानी की जा रही है, पांच साल से चल रहे वेरिफिकेशन को खत्म करने पर काम हो रहा है। कई बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का निर्देश विभाग ने दिया, जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ उनकी सेवा को लेकर विचार नहीं होगा, जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है उसकी सत्यता की जांच कर आगे की कार्रवाई होगी। तो कई बार डॉक्यूमेंट को अपलोड किया गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है उनकी सेवा को लेकर विचार नहीं किया जाएगा, और वेरिफिकेशन पर शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान आया है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उस पर विभाग निर्णय करेगा, क्योंकि विभाग ने पहले ही कह रखा है कि अगर इस समय सीमा के अंदर जो लोग अपनी सूचनाएं अपलोड नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनको कुछ नहीं करना, तो उस परिस्थिति में विभाग उनके संबंध में भी निर्णय लेगा। और जिन लोगों ने अपलोड किया है उसके सर्टिफिकेट्स या जिन जो चीज अपलोड किए गए हैं उनकी प्रामाणिकता, उनकी वैरेसिटी, उनका भी सत्यापन करा लिया जाए। और संवाददाता गौतम फलान भी इस वक्त जुड़े हैं। गौतम, बड़ा बयान शिक्षा मंत्री का आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, लंबा समय भी है, पांच साल से ये चल रहा है, और क्या कुछ निर्देश दिया गया है? शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में अब ये बात स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में नियोजित शिक्षक है जिनकी संख्या 3,57,000 है, उन तमाम नियोजित शिक्षकों को सरकार की तरफ से समय दिया गया था। देखिए 2016 से ये मामला प्रकाश में आया था जब नियोजित शिक्षकों पर आरोप लगे, कई नियोजित शिक्षक के डॉक्यूमेंट जो है फर्जी है, और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने जो है नियोजित शिक्षक का पद जो है वो ग्रहण किया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, निगरानी विभाग को इसकी जांच जिम्मेवारी सौंपी गई थी, और निगरानी ने 2016 से लेकर अभी तक 21 तक जो है डॉक्यूमेंट की जाँच की जो प्रक्रिया है उसको लेकर अभी शिक्षा मंत्री का कहना है कि 5 साल का ये पूरा समय बीत गया और इस पूरी प्रक्रिया में जो राज्य के कई बार नियोजित शिक्षकों को अपने फोल्डर यानी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने का जो है समय दिया गया था। आखिरी तारीख जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई थी वो 30 जुलाई को जो है 20 जुलाई 2021 तक थी, और अभी तक जो है 5,000 के करीब जो है शिक्षकों ने फोल्डर को अपलोड नहीं किया, यानी अपने डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट है वो नियोजित शिक्षक के पद पर जो है उन्होंने पद ग्रहण किया उसका डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों पर ये विभाग किसी समझ के साथ जो है कार्रवाई करेगी कि वैसे लोग जिस डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहता वो अपना जवाब देना नहीं चाहते हैं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौतम। तो हमारे संवाददाता गौतम बता रहे थे कि स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे उनकी सेवा को लेकर विचार नहीं किया जाएगा। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं।